C-17 ग्लोमास्टर विमान एक ट्रांसपोर्टर विमान है जिसे भारतीय वायुसेना अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में ऑपरेट करती है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना इस हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की बड़ी फ्लीट को एक मिनी मिसाइल क्रूज बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रही है, जो LAC और LOC बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएगी। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि इंडियन एयरफोर्स की C-17 फ्लीट एक मिनी क्रूज मिसाइल बॉम्बर बनके भारत के लिए एक बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। और जिस तरीके से चाइना, रशिया और अमेरिका के पास बॉम्बर्स की भरमार है, तो भारत इस कमी को भी कहीं हद तक भर पाएगा, क्योंकि भारत US एयरफोर्स के साथ मिलकर C-17 ग्लोब मास्टर में एक बड़ा मॉडिफिकेशन करने जा रहा है, जिसे रैपिड ड्रैगन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। और C-17 के मॉडिफिकेशन के बाद ये एक भारी भरकम क्रूज मिसाइल बॉम्बर बन जाएगा और बड़ी संख्या में एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों को दागेगा, जो दुश्मन को कुछ ही घंटों में तहस नहस कर देंगे।